मस्जिद, अराकीन इंतजामिया, मोहतरम प्रिंसिपल हजरात वफातीन, असातिज़ा किराम और हम सबके चहेते प्यारे बच्चों, कोकन टैलेंट फॉर्म के 2022 के मुकाबले इंशाअल्लाह जनवरी में शुरू होने जा रहे हैं। कोविड-19 की वजह से 2020 के मुकाबले नहीं हुए थे और इन मुकाबलों के नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स जो हैं थोड़े से मायूस हो गए थे। लेकिन पूरी दुनिया ही जब लॉकडाउन में चली गई तो आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए और सबकी हिफाजत के लिए हमने एक साल के लिए मुकाबले रोक दिए थे। इंशाल्लाह फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। हमारी पूरी टीम जो है पूरे कोकण के दौरे के लिए निकलेगी, जिसकी तफसीलात इस वीडियो में आपको देखने मिलेगी। मैं चाहूंगा हमारे कोकण टैलेंट फॉर्म के बहुत ही फाल रुकन और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन लायन कमाल मांडलेकर साहब, पांचों डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले कब, कहां और कौन सी तारीख के होंगे इसके अनाउंसमेंट आप जरूर करें और हमारे प्यारे बच्चों को, असातिज़ा को, प्रिंसिपल और चेयरमैन जो है मुख्तलिफ स्कूलों के इंतजामिया, उनको प्लीज इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया क्लार्क भाई कि आप यहाँ पे आए। एक बहुत ही खुशी का मुकाम है कि कोकण के बच्चे, असातिज़ा, मैनेजमेंट बहुत ही बेसब्री से कोकण टैलेंट फोरम के मुकाबलों का इंतजार कर रहे थे। आप यकीन करें, पिछले साल भी फोन आ रहे थे, जब ये कोविड आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है तो और ज्यादा फोन आने लगे कि मुकाबले कभी हो रहे हैं। और ये इंतजार की घड़ी मेरे ख्याल से आज हम आपको बता रहे चली गई है। सबसे पहले मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आइडियल फाउंडेशन की तालीमी शाख कोकण टैलेंट फोरम, इसके जरिए कोकण के पांचों अजला में ये मुकाबले मुनाकिद किए जाते हैं। इस साल की तरतीब कुछ इस तरह है। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले की कंबाइन जो मुकाबले होंगे वो हाजी एसएम मुकादम हाई स्कूल खेड़ में होंगे और वो 3 जनवरी को होंगे। और दूसरा जो मुकाबला है वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, वो अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल चांडवा में 4 जनवरी को होगा। और तीसरा जो कंबाइन थाना और पारगल जिले का है वो समरिया हाई स्कूल भिवंडी में होगा और उसकी तारीख 10 जनवरी है, तय हुई है। और ये मुकाबले सुबह 9:30 से शुरू होते हैं और तकरीबन 5:30 बजे खत्म होते हैं। कभी कभी बच्चे ज्यादा स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि बच्चे कितने पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी 15 लोगों की टीम है, जो डेडिकेटेड टीम है उसमें आप भी हैं शामिल, मैं भी शामिल हूँ। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे अलावा जनाब दाऊद अब्दुल करीम चोगले साहब, ये रायगढ़ जिले के चेयरमैन है। सर पहले आप अपना रत्नागिरी सिंधु डिस्ट्रिक्ट के आप चेयरमैन हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताइए। जी जी, मैं चूंकि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग ये दोनों जिले का कंबाइन चेयरमैन हूँ और मेरा नंबर आप नोट कर लें, 9867666325 ये नंबर है। और उसी तरह हमारे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन जनाब दाऊद अब्दुल करीम चोगले साहब हैं, उनका भी नंबर आप नोट कर सकते हैं, 7045040770। इसी तरह थाना और पालघर डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हमारे दोस्त जनाब दिलावर चोगले साहब हैं, उनका भी नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9967911350। ये हजरात आपको हर वक्त अवेलेबल रहेंगे किसी भी इंक्वायरी के लिए। हमने पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दी है और खासकर
कोकनी माउंटेनियर चैनल के कर्ता धर्ता हमारे सामने साथ में हैं, हम भी आने वाएंगे, हम तो रहेंगे, हम भी रहेंगे, तो उनके जरिए भी हम अपील कर रहे हैं आप लोगों से, मैनेजमेंट से, स्कूल इंतजामिया से, हेडमास्टर से, प्रिंसिपल साहबान से, जितने असातिज़ा कराम से, कि इस मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, अपने बच्चों को भेजें, ताकि बच्चों को हम यही एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चों को अपने कारकर्दगी करने का मौका मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों को जो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसको भेजें। ये कमाल है, आपने ये नहीं बताया कि सुबह जब बच्चे आते हैं असातिज़ा वगैरह जी, तो उनके लिए सुबह नाश्ते का भी इंतजाम होता है जी, जी, जी। और सारे हमारे मेहमानों के साथ स्टूडेंट सबके लिए खाने का भी दोपहर में इंतजाम होता जी, है जी, जी, चाय वगैरह का भी इंतजाम होता है जी, बिल्कुल। तो इसका हम लोग खास ख्याल रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और हर तरीके का इंतजाम करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये पब्लिक को आने की इजाजत नहीं है, तो इंतजाम काफी ये होते हैं, 300 से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, 15, 20, 25, 30 स्कूलें पूरे डिस्ट्रिक्ट की उसमें पार्टिसिपेट करती है जी, जी, जी। और तो आप लोग को ये मुकाबले कैसे होते हैं, अगर हमारे सब्सक्राइबर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के आखिर में मैं हमारी प्लेलिस्ट का लिंक का एक फोटो जो आपको दिखाई देगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो 2019 के जो मुकाबले हुए थे तकरीबन मैंने 17 एपिसोड रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और इठाने, पालघर के 17 एपिसोड है, अलग अलग टाइप के मुकाबले होते हैं, वो आपको तब तक एपिसोड देखने मिलेंगे कि कोकण के बच्चों का टैलेंट किस तरह से है, बिल्कुल, और ये लोग कैसा डिबेट कैसा करते हैं। मुकाबले हम लोग, आपने बताया नहीं कि मुकाबले कितने तरह के लेते हैं, एक दिन में 10 मुकाबले, 10 मुकाबले का रिजल्ट भी हम लोग सेम डे देते हैं, और साथ में हर पार्टिसिपेंट स्टूडेंट जिसको अगर इनाम नहीं भी मिला तब भी हर पार्टिसिपेंट के लिए सेडेड होता है, साथ में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इनाम हासिल करते हैं उनके लिए अलग से सेडेड होता है, कैश प्राइजेस होते हैं और ट्रॉफीज होती है। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट में, जिस किसी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट वाइज वो डिस्ट्रिक्ट में जो ज्यादा इनाम जो स्कूल लेती है उनके लिए एक रोटेटिंग ट्रॉफी होती है, बिल्कुल, और अगर 3 साल उसी स्कूल ने वो ट्रॉफी अगर जीत ली तो समझ लो ट्रॉफी परमानेंट उसी की हो जाती है, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर जो स्कूल ज्यादा इनाम लेगी तो रोटेटिंग ट्रॉफी उनके लिए चली जाती है। आपको व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 10 मुकाबले होते हैं, उसमें से 7 मुकाबले क्लासेस में होते हैं जी। उसमें खासकर मजमून नवेसी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, 3 तरह की मजमून नवेसी होती है, राइटिंग की जी, ऐसे राइटिंग की होती, और उसी तरह फिर वर्ड फॉर्मेशन जो खासकर प्राइमरी के बच्चे रहते हैं उनके लिए वर्ड फॉर्मेशन का होता है, फिर जहनी लियाकत इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, फिर ग्रामर के मुकाबले होते हैं, ये रहे आपके ये क्लासरूम में होने वाले मुकाबले जनरल नॉलेज, और 3 जो मुकाबले हैं वो स्टेज पे सुबह से शुरू हो जाते हैं, उसमें सबसे पहले तकरीरी मुकाबले जो बच्चे पूरे तकरीर तैयार कर वो अपनी तकरीर पेश कर सकते हैं, हमारे जजेस बैठे रहते हैं उनको पॉइंट दिया जाता है, उसके बाद जनरल नॉलेज जो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे और साथ ही साथ तमाम जो हाजरीन है जितने ऑडियंस है वो सब भी हिस्सा ले सकते हैं, एक का भी राउंड होता है, इतने इनाम होते हैं, बहुत बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होता है, और आखिर में एक डिबेट होता है जिसमें मेरे ख्याल से कोकन का जो क्रीम है, जो जहन है, जो क्वालिटी कोकन के बच्चों में वो डिबेट में निखर आती है, जो जूनियर कॉलेज के बच्चे जिसमें हिस्सा लेते हैं, एक बेहतरीन देखने जैसा ये प्रोग्राम, अगर किसी ने एक साल इसमें शमूलियत कर ली किसी भी शख्स ने तो वो हर साल पूछता है कि प्रोग्राम कभी होने वाला है, कभी, क्यों इतना बेहतरीन प्रोग्राम शायद अंबेडकर स्कूल ने कुछ सीखा, कौन सी स्कूल ने बनाया था वो, अंबेडकर वीडियो बनाया था कुछ, मुझे भी आया था वीडियो जी जी, उन्होंने एक वीडियो बनाए कि वो लोग आ रहे हैं अंबेडकर स्कूल वाले आ रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहले से ऐसा डाला, पहली दफा आ रहे हो, और उन्होंने इतनी तारीफ की है आइडियल फाउंडेशन की और कोकण टैलेंट फोरम की, ये पिछले कई सालों से ये मुकाबले कर रहे हैं, तो मुझे खुशी है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको और तमाम लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस साल उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे और कोकन के बच्चों का टैलेंट उसमें शायद दिखाई देगा जी। लेकिन हमने जिक्र नहीं किया कि हमारे रूल हवा, हमारे सरप्रेस हसन चौगले साहब जो है ये पूरा मतलब हैंडल करते हैं, इंसान पिछले 20 साल से ज्यादा हुआ, हम लोग तो बताएंगे इसका कोकन टैलेंट मूवमेंट क्या है, इसका एक एपिसोड बहुत जल्दी बनेगा। हसन चौगले साहब, उनकी पूरी फैमिली, दाऊद चौगले साहब, और साथ में हमारी जो टीम 10-15 लोगों की जो जुड़ी हुई है,
ये दिन रात इसमें मतलब साल भर मेहनत करते रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम के बाद भी ऐसा लगता है कि फोर्थ इसमें आप जो बच्चा तीसरे के बाद चौथे भी आते हैं उनके लिए कंसोलेशन प्राइजेस भी हम लोग देते हैं, उनके सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ कैश भी होता है या कुछ ट्रॉफी भी होती है, तो हम लोग उनको भी फैसिलिटेट करते हैं। और एक खुशखबरी सुना दूं कि जनरल नॉलेज जो होता है उसका जो क्विज होता है मैं उसका एंकरिंग करता हूँ, और वो किताब जो है 2016 में कमल भाई ने तरतीब दी थी। और एक खुशखबरी ये है कि वो किताब अभी इस साल आखिरी क्वेश्चन उसमें से रहेंगे, अगले साल नई किताब आएगी, नए क्वेश्चन रहेंगे, लेटेस्ट सारी चीजें होगी, इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग तीनों डिस्ट्रिक्ट में उसका इजरा भी होगा। कोशिश कर रहे हैं, किताब प्रिंटिंग में है, इंशाल्लाह पहुंचने की उम्मीद है, अगर वक्त पे पहुंच जाती है तो इंशाल्लाह उसका इनॉग्रेशन भी वही करेंगे, और सभी पार्टिसिपेंट स्कूल को कम्प्लीमेंट्री कॉपी भी मिलेगी। जी जी। तो जिन्होंने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मैसेज उन तक नहीं पहुंचा होगा, सर्कुलर नहीं पहुंचा होगा, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप कॉन्टेक्ट कीजिए और अपने फॉर्म यहाँ तक भेजिए। अभी डेट्स कम, कुछ कम दिन रहे हुए हैं, कोई मसला नहीं, आप प्रोग्राम के दिन इवेंट के दिन भी आएंगे सुबह जल्दी, हम उस वक्त भी रजिस्ट्रेशन लेंगे, कोकन के बच्चों को भी मायूस नहीं करते। बिल्कुल। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जितने तकरीबन 22-23 साल से ये प्रोग्राम जो कोकन टैलेंट फोरम का हो रहा है, हसन चौगले साहब की कफालत में हो रहा है, आज उसका इंतजाम इतने सालों से तकरीबन अभी हम लोग चलते हैं साथ में तो 2 लाख रुपया तकरीबन हमको खर्चा आता है, इनामात से लेकर रहना खाना पीना सफर का, तो ये पूरे खर्चे हसन चौगले साहब उठा रहे हैं, साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए इनके दोस्त जनाब सनाउल्ला घरटकर साहब हैं और फकीर अहमद कल्दाने साहब हैं, वो भी उनके साथ में हैं, तो एक बहुत बड़ा कोकन में काम होता जा हो रहा है, और इसका क्रेडिट में हसन चौगले साहब जो आइडियल फाउंडेशन के चेयरमैन है उनको देता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ स्कूल जिस स्कूल में मुकाबला होता है तो वो लोग भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं, उसके साथ में कुछ डोनर हजरात भी हैं, वो भी आइडियल फाउंडेशन से कांटेक्ट करके वो लोग भी हेल्प करते रहते हैं साथ में। अभी आप चाहेंगे आप कंट्रीब्यूट करें या पार्टिसिपेट करें तो आप भी आइडियल फाउंडेशन के एजुकेशन विंग जो है कोकन टैलेंट फॉर्म, आप भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, चाहे नाश्ते के लिए या ट्रॉफीज के लिए या कैश प्राइजेस के लिए, या फिर आप दोपहर का लंच होता है उसका लें, या हमारे ट्रैवलिंग का पूरी टीम का खर्चा का ले लें, पूरी टीम को कोई पेमेंट नहीं होता है, डेडिकेटेडली और विलिंगली और खुशी से काम करते हैं। हाँ, तो लेकिन कीमती वक्त भी लेते हैं और सब अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड है, ज्यादातर इसमें एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, हम अच्छे जजेस भी रखते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं होती, और हमारे कोकन के असातिज़ा इतने फाइटर हैं कि उन्हें कभी भी लगता है कि उसके साथ बच्चे के साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है तो हमसे लड़ते झगड़ते हैं और हम उनका मोहब्बत से जवाब देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वो मुतमईन हो जाए और हम उनको साफ बता देते कि हमने फैसला किन बुनियादों पर किया। वीडियो शायद थोड़ा सा आगे हो गया होगा, बढ़ गया होगा, आपने पूरा देखा जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दुआ कीजिए और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए, और हम आप सभी बच्चों से असातिज़ा से सबसे गुजारिश करते हैं कि आप मास्क जरूर पहने, कोरोना का जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखें, फासला रखें और मुकाबले में शरीक हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।